मॉर्निंग बच्चों, बच्चों हाउ आर यू? सब ठीक है? अच्छे से बढ़िया है ना? घर पे देखो आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कहानी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कहानी। बच्चों कहानी क्या होती है, कहानी लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, कहानी को कैसे लिखा जाता है, ये सब मैं आज आपको बता रही हूँ कि बच्चों कहानी ऐसी होनी चाहिए, कहानी वार्तालाप हो, बातचीत हो और वर्णन दोनों होना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसकी छोटे छोटे सेंटेंस यानी छोटे छोटे वाक्य हो। कहानी में जो है हमें कहानी से हमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि इस कहानी को लिखने का क्या मतलब है, क्यों लिखी गई है, हम क्या बताना चाहते हैं किससे। तो ये कहानी होती है, ठीक है बच्चों? तो ये कहानी आज मैं आपको एक बता रही हूँ, जूट का फल। क्या बता रही हूँ बच्चों? जूट का फल, कि जूट का कितना बड़ा फल मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना बच्चों, आपको कितनी बार हम कहते हैं कि बच्चों आप कभी जूट ना बोला करो। तो आज मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जूट का फल। आप उसको अच्छे से देखो। देखो एक बार जो है मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, पढ़ा भी रखा है कि जो है एक बच्चा होता वो हमेशा झूठ बोलता था। तो इसमें बताया कि भोला एक अनाथ लड़का था। भोला नाम का एक बच्चा था, वो अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे, है ना। गांव वाले उसे खाने पीने को दे दिया करते थे, गांव में कभी कौन उसे खाने को देते थे। और इस तरह भोला गांव वालों से खेल मिल गया, लोग सब उसको अपने घर बुलाते थे खाना खाने के लिए, तो वह सबके घर में खाना खाने जाता था, कभी किसके घर कभी किसके घर। तो इस तरह बच्चों जो भोला जो है गांव के सभी लोगों से हेल मिल गया बातचीत करने में, है ना। तो भोला गांव के सरपंच से एक दिन बोला, भोला ने एक दिन सरपंच के पास गया और उसने उनसे कहा कि सरपंच जी दादा मैं खाली पड़े पड़े मेरा मन नहीं लगता है, मैं पूरे दिन खाली रहता हूँ और खाता ही रहता हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, इसलिए जो है क्यों ना आप लोगों की भेड़े चराने जाया करूं, आप मुझे अपनी अपनी भेड़े दे दो, मैं उन्हें चराने के लिए ले जाऊंगा। तब जो सरपंच जी ने कहा ठीक है, और उसे सरपंच ने भोला को भेड़े चराने की आज्ञा दे दी कि ठीक है आप जो है भेड़े चराने चले जाया करो। तो भोला भेड़े चराने का काम खुशी खुशी बच्चों करने लगा और जो है वो रोज भेड़े चराने जाता और मस्त रहता था। लेकिन बच्चों उसकी एक आदत, उसको मजाक करने की बहुत आदत थी, ठीक है बच्चों। एक दिन भोला को गांव वालों से मजाक करने की सूझी, उसे कहा मैं गांव वालों को परेशान करता हूँ, मजाक करता हूँ। भोला टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा बच्चों? भेड़िया आया जल्दी से आओ, भेड़िया आया। तो क्या बोला? भेड़िया आया दौड़ो दौड़ो, वह भेड़ उठाकर ले जा रहा है। तो गांव वाले जो खेती कर रहे थे सारे गांव वाले दौड़ दौड़ के लकड़ियां लेकर आए और बच्चों उन्होंने जो है बचाने के लिए उसको आए। जैसे वो वहां पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। खेतों में काम करने वाले लोगों ने भोला के चिल्लाने की आवाज सुनी और उसकी सहायता के लिए वहां पहुंचे। उन्हें देखकर भोला मुस्कुराने लगा क्योंकि वो तो मजाक कर रहा था, वहां कोई भेड़िया नहीं था, तो वे उसका मजाक समझकर लौट गए। इस तरह बच्चों भोला आए दिन मजाक करने लगा, भेड़िया आया बचाओ बचाओ मेरी भेड़ी लेकर जा रहा है। तो इस प्रकार गांव वाले आते और उन्हें हंसकर टाल देता। तो अब गांव वाले ने सोचा कि तो हमेशा मजाक करता है। बच्चों एक दिन क्या हुआ, सचमुच भेड़िया आ गया, एक दिन सचमुच भेड़िया आया। तो बच्चों जैसे ही एक दिन सचमुच वास्तव में भेड़िया आया, उसे दिल का घोड़ा चिल्लाया, भेड़िया आया मेरी मदद करो, जल्दी से आओ मेरी भेड़े उठाकर ले जा रहा है। तो इस बार खेतों में काम करने वालों ने सोचा कि भोला तो जो हमेशा शरारत करता है, मजाक करता रहता है, तो अपन से शरारत करता है कर रहा है और उसकी शरारत समझकर उसकी कोई मदद करने नहीं आया बच्चों। भेड़िया भोला की भेड़े उठाकर ले गया क्योंकि उसे सचमुच भेड़िया आया था और भोला को झूठ बोलने का फल मिल गया। तो बच्चों देखो कैसे भोला जो है झूठ बोलता था, झूठ यानी मजाक करता था, हमेशा कितना भेड़िया आया ऐसे हर बात पे मजाक समझता था। तो एक दिन जो है वास्तव में जब भेड़िया आया तब उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इस कहानी से हमें क्या मिलती है शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ का फल कैसा होता है बच्चों, बुरा होता है। तो बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको एक कहानी बताई कि कहानी कैसे मैंने लिखी है, छोटे छोटे सेंटेंस।
मतलब होना चाहिए कि एक लाइन दूसरे से जुड़ी हुई हो और कहानी में जो है शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मैंने आपको ये कहानी लिखी है। ऐसे बच्चों आपकी बुक में बहुत सारी कहानियां हैं। अब मैंने आपको एक कहानी लिखी है, अब जो है कुछ कहानियां जो है मैं आपको स्वयं लिख के बताऊंगी, बाकी क्या खुद भी लिख सकते हैं। तो आपके सुंदर सुंदर राइटिंग में व्याकरण की कॉपी में, बच्चों व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर सबसे पहले ऊपर लिखना तरीका देखना लिखने का। देखो ये देखो, सबसे पहले कहानी अलग लिख के जूट का फल, और बच्चों यहाँ लाइन खींची होती है, ठीक है, जो अपनी कॉपी में लाइन खींची हुई है मेरे में नहीं। ये तरीका होना चाहिए सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, ये यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ से सेंटेंस, अगर दूसरा पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज कहानी लिखनी चाहिए ताकि वह समझ में आए। अब हमने यहाँ से पैराग्राफ यहाँ से लिख के वहां कंप्लीट कर दिया, जब दूसरा पैराग्राफ लिखा तो भी यहीं से लिया, तीसरा लिखा तो भी यहीं से लिया, चौथा लिखा तो भी यहीं से लिया, मतलब इस प्रकार जो है कहानी लिखनी चाहिए। अगर हम निबंध भी लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखना चाहिए ताकि निबंध और कहानी सुंदर लगे और समझ में भी आए, समझ में भी आए, ठीक है बच्चों। अब आप इसको कहानी को सुंदर सुंदर राइटिंग में या कॉपी में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। दूसरा, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप बच्चों टेस्ट भी नहीं दे रहे और कॉपियां चेक कराने भी नहीं आए, तो आपको टेस्ट भी देना है और कॉपियां भी चेक कराने आया करो ताकि पता चले कि आप कितना लिख रहे हो, ठीक है बच्चों। कॉपी को सुंदर रखो, अच्छा अच्छा रखो, उस पर कवर चढ़ाओ और सुंदर सुंदर राइटिंग लिखो, और फिर जब चेक करने का आपके पास आ जाए मैसेज तो आप चेक कराने आओ, और जब ये मैसेज आ जाए कि वापस ले जाओ तो उन कॉपियों को वापस ले जाओ, ठीक है बच्चा। ओके, थैंक यू, खुश रहो, स्वस्थ रहो।